अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मोटर रिव्यूज़ यूट्यूब चैनल। तो आज आपके लिए जिस गाड़ी का रिव्यू लेकर आया हूँ ये है टोयोटा हाइलक्स रिवो। न्यू शेप वाला रिवो है, चेक करते हैं कौन कौन से फीचर आए हैं हमारे साथ, रिव्यू स्टार्ट करते हैं। रिव्यूज़ यूट्यूब चैनल, तो आज आपके लिए जिस गाड़ी का रिव्यू लेकर आए हैं ये है टोयोटा हाइलक्स रेवो। ये वाली शेप 2021 में पाकिस्तान में लॉन्च की गई, जो कि बड़ी डिमांडिंग शेप थी। स्पेशली दो चीज़ें इस गाड़ी की जिससे गाड़ी सुपर हिट गई वो थी, एक इस गाड़ी के अलॉय व्हील और इसकी बैक लाइट्स, वो भी मैं अभी आपको चेक करवाऊँगा। अगर बात कर ली जाए लुक की, तो नई वाली लाइट्स लुक मोर एडवांस दैन प्रीवियस वन। इसमें आपको DRL ये मिलता है, पिछली में आपको पूरा टेल फॉर्म में मिलता था LED की फॉर्म में। प्रोजेक्शन लैंप जिसकी बीम काफ़ी हाई है, मैं अभी रिसेंटली चोलिस्तान रैली की वीडियोस भी देख रहा था, उसमें काफ़ी लोगों ने स्टेटस और स्टोरीज लगाए हुए थे कि इस रिवो की अच्छी खासी विजिबिलिटी थी सैंडी ट्रैक पे। आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं, यहाँ पर आपको फॉग लैंप और फ्रंट की ग्रिल इन्होंने चेंज की, जिसकी वजह से इसके ऊपर जो ग्रिल आती है, बुल बार आता है, वो भी काफ़ी सूट करता है। और अगर बात कर ली जाए वैसे ओवरऑल लुक की, तो इन्होंने थोड़ी सी टोयोटा टकूमा जो लेटेस्ट चल रहा है उसकी भी लुक देने की कोशिश की है इस गाड़ी को। मीन टू से हाइलक्स प्रीवियस जनरेशन और टोयोटा टकूमा को मिक्स करके फ्रंट लुक बनाई दी है, लेकिन ये वाली फ्रंट लुक ज़्यादा प्यारी है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस वन के। प्रीवियस वाली जो फ्रंट लुक थी ना, वो ज़्यादा अच्छी लगती थी बुल बार लगा के। एक चीज़ काफ़ी मेरे अपने जानने वाले मॉडिफायर्स हैं, गाड़ी के मॉडिफिकेशन का काम करते हैं, एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व की है कि हाइलक्स में ना बुल बार और रोल बार जो पीछे लगता है वो बहुत ज़रूरी है। बाइक गाड़ी की ना एक शो लगती है कि फील होता है। 2800 cc डीजल इंजन के साथ ये गाड़ी आती है, 4x4 होती है, फॉर्चुनर की तरह नहीं थी। इस तरह फॉर्चुनर 2020 से पहले आपको 4x2 मिलती थी, उसमें आपको 4x4 फुल डिफरेंशियल नहीं होता था 4x4 का, और उसमें इसमें आपके पास 4x4 का फुल ऑप्शन होता है, डिफरेंशियल लॉक वगैरह सब कुछ। ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं इस गाड़ी को ऑफ रोड पर्पज़ के लिए। सो व्यूअर्स, ये इस गाड़ी के अंदर रिम में जो चेंज किया गया है ये भी काफ़ी खूबसूरत लगता है रिम। ये पिछले वाला रिम से ज़्यादा प्यारा और 18 इंचिस के साथ आता है। ये गाड़ी की लुक में एक अच्छा इजाफा कर रही है चीज़। ये देखें आप साइड प्रोफाइल से, मतलब आपको एक देख के लगता है एक अच्छे हाई क्लास का पिकअप है, लगता पहले भी था, लेकिन ज़रा ये इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करके ना गाड़ी की लुक बढ़ा दी है। जैसे कि रियर लाइट्स आप देखें, ये देखें अब ये रात को जब जलती हैं ना ये फॉर्म में, तो काफ़ी खूबसूरत लगती हैं। LEDs करती हैं इंडिकेटर लाइट, उसके अलावा वी वेरिएंट फुल ऑप्शन है, जिसका कि मैंने बताया था आपको रिसेंट जो पीछे पहले मैंने पिछली सेप पर रिव्यू किया था उसमें बताया था 8 से 9 वेरिएंट्स आते हैं, सिंगल कैबिन डबल कैबिन, मतलब पूरा मीना बाजार लगा हुआ है। रिवर्स कैमरा सबसे अच्छी जगह मुझे लगती है हाइलक्स में कि यहाँ पर आता है। उसके अलावा डेक में आपको डेक अच्छा खासा बड़ा मिलता है। नई वाली मैंने चेंजेस किए हैं, 2 मैंने आपको काउंट करवाए हैं, बाकी मैं आपको अंदर जाए काउंट करवाऊँगा। डेक आपको काफ़ी बड़ा मिलता है, लेकिन इसमें यहाँ सीटें वगैरह लगी हुई हैं, तो अब खोल के फिर जाना बड़ा वो हो जाता है, थोड़ा हेक्टिक हो जाता है। अगर रियर से बात करें तो हाई माउंटेड ब्रेक लैंप आपको यहाँ मिलता है, टॉकिंग विंडो मैं लफ्ज़ यूज़ करता हूँ कि जो आपको यहाँ पे मिलेगी, मतलब कि अंदर पीछे बैठने वाले बाहर गार्ड्स के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं वेरी इजीली। ये रियर लुक चेक करें, सोवियर की इस गाड़ी की चाबी है, लॉक अनलॉक और इमोबिलाइजर की आती है। नए वाले में इन्होंने बैक पे ये डिज़ाइन दिया हाइलक्स का, उससे पहले नॉर्मल आता था, ये नहीं था, जस्ट ये आता था। सो व्यूअर्स, अब इंटीरियर की बात करें तो आपको इलेक्ट्रिक सीट्स, उसके अलावा पावर विंडोज़ चारों ऑटोमेटिक हैं। इसका भी कोशिश करूँगा आपको चेक करवाऊँ, जिसका मैंने फॉर्चुनर में चेक कराया था कि ऑटोमेटिक नीचे वाली है या ऊपर वाली है। सेंट्रल लॉकिंग, रिट्रैक्टेबल मिरर्स, ऑटो फोल्डिंग मिरर्स भी इसके अंदर आपको मिलते हैं। नॉर्मली गाड़ियों में रिट्रैक्टेबल होते हैं पर ऑटो फोल्ड नहीं होते, काफ़ी लोग डिसअपॉइंट होते हैं इस चीज़ से, क्या मतलब रिट्रैक्टेबल दे देते ऑटो फोल्ड भी दे देते। क्रोम डोर हैंडल्स और ट्यूटर्स आपको यहाँ मिलते हैं, नॉर्मली गाड़ियों में इससे पहले यहाँ पर आते होते थे। सो व्यूअर्स, अब आपको इस गाड़ी का स्टार्टअप चेक कराता हूँ। ये देखें न्यू मीटर, 200 टॉप स्पीड है, फ्यूल गेज, टेम्परेचर गेज, नया मीटर है और काफ़ी खूबसूरत लुक में, खूबसूरत शेप में। इससे पहले वाले में आपको ब्लू क्लस्टर के साथ स्पीडो मीटर मिलता था। उसके अलावा वॉल्यूम कंट्रोल्स की अगर बात कर ली जाए तो वो भी स्टैंडर्ड जिस तरह पिछली शेप में आए थे उसी तरह आपको मिलते हैं। एयरबैग और क्रूज़ कंट्रोल,
क्रूज कंट्रोल टोयोटा अभी तक फॉर्च्यूनर और हाइलक्स में मैनुअल दे रहा है, वो बटन वाला सिस्टम नहीं है, सिर्फ ये जिस तरह प्राडो TX 2.7 के अंदर भी यही आते हैं। अगर बात कर लीजिए LED यूनिट की, LED यूनिट इन्होंने 19 के बाद चेंज कर दिया था। चेंज से मुराद ये नहीं था कि बिल्कुल चेंज, मतलब पहले आपको डैशबोर्ड के अंदर ही मिलता था, उसके बाद 19 के बाद ये थोड़ा आपको बाहर की शेप में निकाला था इन्होंने। इसमें आपको हर चीज़ मिलेगी, यूट्यूब वगैरह, नेविगेशन, फ्रंट कैमरा, एवरीथिंग इज़ फाइन। उसके अलावा यहाँ पर आपको 4x4 के गियर्स मिलेंगे, जो कि इससे पहले आपको जो वीगो आता था उसमें आपको यहाँ मिलता था, आपने वीगो का रिव्यू भी देखा होगा। क्लाइमेट कंट्रोल डिजिटल है, डाउन हिल असिस्ट सिस्टम, डिफरेंशियल लॉक, ये भी डाउन हिल असिस्ट सिस्टम इसमें नई वाली शेप में नया है। ट्रैक्शन कंट्रोल, ऑक्स और फास्ट चार्जिंग के लिए आपको यहाँ पे चार्जिंग आउटलेट भी मिलते हैं। एक चीज़ जो कि थोड़ा बहुत मिस फील होती है वो ये है कि इस गाड़ी के अंदर एटलीस्ट ना अपहिल असिस्ट भी होना चाहिए था, मतलब चढ़ाई के वक्त गाड़ी अंडर पावर ना हो। वैसे तो 2800 cc पर अंडर पावर नहीं होती। दो कप होल्डर्स, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, दो मोड आपको मिलेंगे, इको का मोड मिलेगा और पावर का। नॉर्मली इको मोड पे भी हाइलक्स अच्छी चलती है और पावर मोड में आपको पता है एक अच्छी आउटपुट डिलीवरी होती है। उसके अलावा हैंड ब्रेक के साथ साथ इधर की बात कर लें तो इधर आपको कंपार्टमेंट और उसके साथ साथ ये देखें, वैनिटी मिरर आपको इधर नहीं मिलता, ये थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है, इतनी अच्छा खासा कैपिटल खर्च करने के बाद होना चाहिए था। उसके अलावा LEDs अभी तक टोयोटा नॉर्मल हेलोजन इस्तेमाल कर रहा है, फॉर्च्यूनर में इन्होंने LED दी है लेकिन हाइलक्स में नहीं दी। ग्लासेस होल्डर, और इधर की बात कर लें तो इधर आपको वैनिटी मिरर मिल जाता है, वो भी बगैर लाइट के। सो वीर, अगर रेयर साइड की बात की जाए तो रेयर पर आपको ऑटोमेटिक पावर विंडोज, उसके साथ साथ रेयर सीटिंग ठीक है। अगली सीट में काफ़ी पीछे करके वीडियो बनाता हूँ, नॉर्मली आपको अंदाज़ा है रेयर एसी वेंट्स, और रेयर पे आपको लाइट मिल जाती है जो कि मेरा ख्याल है ठीक है, बेहतर है आपको, बाकी ठीक है। सीटिंग कैपेसिटी, क्योंकि देखें आप एक हाइलक्स से ये एक्सपेक्ट करें कि आपकी जर्नी कम्फर्टेबल हो, तो ये तो जाती है वैसे। तो इस गाड़ी के बारे में प्रसिद्ध होती है, एक अच्छी गाड़ी है और मोस्ट प्रेफरेबल कार इन पाकिस्तान है। पिकअप के तौर पे आप इसे ऑफ रोड करें, शहर पे चलाएं, हर लिहाज से बेहतर है। एवरेज एक थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है, लेकिन जहरी बात इसने 80-90 लाख रुपये खर्च करके रिवो लेना है ना, उसके लिए एवरेज मैटर नहीं करती, वो हम जैसे लोगों के लिए मैटर करती है। फिर भी आप रफ आइडिया रखें 5-7 किलोमीटर अच्छे पैर पर गाड़ी एवरेज। अगर बात कर लीजिए ऑफ रोड कैपेबिलिटी की, तो सबसे अच्छी अब तक की ये है, पाकिस्तान में लोग फोर्ड रेंजर पे भी ऑफ रोडिंग करते हैं, फोर्ड रैप्टर पे भी करते हैं। रैप्टर, टुंड्रा और टकूमा को आप निकाल दें, वो एक अलग ही कैटेगरी है। इसका कंपटीशन है सुजुकी डीमैक्स और फोर्ड रेंजर से, तो उसमें ये कम्पीट करता है बाय लुक्स, बाय ड्यूरेबिलिटी। आई थिंक इट्स ऑल अबाउट टोयोटा हाइलक्स रिवो वी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद है, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड अल्लाह हाफिज़।